चिल्लाए, चिल्लाना नहीं है क्योंकि आप कहाँ पर आए आपको मालूम है क्या कहाँ पर आए आप? हाँ एनिमल एड आए, पर एनिमल एड क्या है किसी को पता है क्या? किसी को भी पता है, थोड़ा बहुत भी बता दीजिए क्या है यहाँ पर, क्या है? अभी बताया था बस में। बोलिए बोलिए, किसी को भी बताओ क्या है? जानवरों को बचाया जाता है। हाँ ये जानवरों का हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे जितने भी जानवर जो एडमिट है ना वो सब एक तरह से क्या है, पेशेंट है, मरीज है। वो जब बीमार हो जाते, घायल हो जाते हैं ना, तो इनका इलाज चल रहा है। तो अब जब आप ज़्यादा चिल्लाएंगे बोलेंगे तो ये भी क्या परेशान होते हैं, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा, आप उसको सुनिएगा। आप जहाँ पर आए हैं ये एनिमल एड है, ये क्या है कि एक एनजीओ है, एक संस्था है, हॉस्पिटल है लावर इस जानवरों के लिए। तो सिटी के अंदर आप जो भी जानवर देखते हैं ना, चाहे डॉग हो, गाय हो, गधा हो, या कुछ चिड़िया पक्षी जो भी है, कबूतर तोते, अगर इनमें से कोई भी घायल या बीमार हो जाता है तो हम उनको क्या करते हैं, बचाते हैं उनको, ठीक है? लोगों के पास हमारे हेल्पलाइन नंबर है, हमको वो फ़ोन करते हैं, हम हमारी एम्बुलेंस है इनके लिए, वो वहाँ पर भेजते, इनको हम यहाँ पर लेकर आते और पूरा इलाज करके इनको फिर से इनको उसी जगह पर वापस छोड़ा जाता है। तो अभी हमारे पास 800 के आसपास जानवर है, सभी एनिमल्स को मिलाकर। हमारे पास डॉग्स हैं, कैट्स हैं, गाय हैं, गधे हैं, कुछ छोटे छोटे बछड़े हैं और कुछ पक्षी भी हैं, कबूतर तोते भी हैं। तो ज़्यादातर सब जो है वो सब उनका इलाज चल रहा है, और सब जो बचाए जाते हैं उदयपुर सिटी से। आप शायद बाहर से राजसमंद, राजसमंद तक हमारी फैसिलिटी तो नहीं है, एम्बुलेंस नहीं भेज पाते, पर फिर भी वहाँ पर कुछ लोग हैं जो हेल्प करते हैं और कुछ एनिमल्स को यहाँ पर भेजते रहते हैं, तो वहाँ के भी एनिमल्स यहाँ पर एडमिट हैं। और हमारे यहाँ पर सिर्फ वही एनिमल्स रहते हैं जो वापस रोड पर नहीं जा पाएंगे, मतलब अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। जैसे किसी की कमर टूट गई है या फिर कोई अनाथ है जिसका कोई देख रेखने वाला कोई भी नहीं है, तो वो हमारे पास में रहते हैं, ठीक है? बाकी जो स्वस्थ है, जो ठीक है, उनको वापस वहीं पर छोड़ा जाता है। और जो भी लोग हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी हम एनिमल्स को छोड़ दें आप उनका ध्यान रखिए, खाने पानी का साफ पानी दीजिए, जो भी खाना है उनको आप दीजिए। अगर कभी भी वापस बीमार या घायल हो जाए हमें फ़ोन करके वो सूचना दे सकते हैं, तो हमारी एम्बुलेंस हम वापस भेज कर उनका इलाज हम कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको थोड़े से एनिमल्स दिखाऊँगा, आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे आ जाइए, शांति से ना बोलो।